नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 31 रनों से मात देकर सीरीज में 1-0 की लीड हासिल कर ली है। टेस्ट की दोनों पारियों में 123 और 71 रनों की पारी खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा जहां मैन ऑफ द मैच बने, तो वहीं इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच में कई रिकॉर्ड्स भी बने। रिकॉर्ड बुक पर नजर डालें तो ये दूसरा ऐसा टेस्ट मैच था जिसमें गिरे 40 विकेट में से 34 कैच आउट हुए कैप्टन विराट 20 टेस्ट मैचों में टॉस जीते, जिनमें से 17 में जीत और 3 ड्रॉ रहे। भारत के बाहर टीम इंडिया को 3 टेस्ट मैचों में मिली जीत में चेतेश्वर पुजारा अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने तीनों ही मैचों में 50 से ज्यादा रन बनाए। एडिलेड टेस्ट में 6 विकेट आर अश्विन का ऑस्ट्रेलिया में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। भारत की ये तीसरी सबसे करीबी जीत है। इससे पहले भारत ने 2004 में ऑस्ट्रेलिया को मुंबई टेस्ट में 13 रनों से हराया था। भारत को पहली बार ऑस्ट्रेलिया के किसी दौरे के पहले ही मैच में जीत मिली है। एडिलेड टेस्ट में रिकॉर्ड तो बने ही, साथ ही आर अश्विन ने भी एक बार फिर खुद को साबित कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी वो टीम के लिए कितने अहम हैं। आपको बता दें कि 6 विकेट लेने वाले आर अश्विन ने दोनों पारियों में सबसे ज्यादा गेंदबाजी की। पहली पारी में उन्होंने जहां 98.4 ओवरों में 34 ओवर फेंके, तो वहीं दूसरी पारी में 119.5 ओवरों में 52.5 ओवर सिर्फ अश्विन ने फेंके।